गाइज एंड वेलकम बैक टू गॉटस्पीड। और आज हम रिव्यू कर रहे हैं मारुति की एर्टिगा का। ये प्री ओन कार है और ये फॉर सेल अवेलेबल है। देखते हैं इसका इंजन, तो इसमें भी आपको वही सेम 1.3 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 75 bhp और 190 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि हर सुजुकी की गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम ही रहती है फिगर्स। तो आइए फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। ये इस गाड़ी की फ्रंट लाइट है, इसमें आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलते हैं। ये यहाँ पे नीचे आपको फॉग लाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिलती है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिलती है एयर इनटेक के लिए। गाड़ी में आपको क्रोम ग्रिल मिलती है विद सुजुकी लोगो। सो ये इस गाड़ी के टायर्स हैं और इनका साइज 185/65R15 है। इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, साइड में आपको DDIS की बैजिंग मिलती है। गाड़ी में साइड में साइड बिटिंग लगी हुई है। ये इस गाड़ी के OVRM मिरर्स है, इसमें आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिलते हैं, इसमें आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन नहीं मिलता है। सो ये इस गाड़ी की रियर साइड है, ये इस गाड़ी की रियर लाइट है, इसमें भी आपको हेलोजन बल्ब ही मिलते हैं। ये VDI लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है और ये SHVS स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है। पीछे आपको क्रोम फिनिश में आर्टिकल की बैजिंग मिलती है और ऊपर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। साइड में आपको मारुति सुजुकी की बैजिंग मिलती है और नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स प्लेस करे गए हैं। आइए इसकी बूट ओपन करके देखते हैं। सो आपको डिसेंट बूट स्पेस मिलती है विद ऑल थ्री रोज ऑफ। तो आइए बूट को बंद कर देते हैं। गाड़ी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, इसमें बस एक दो जगह पे माइनर स्क्रैचेस है और वो तो आपको मिलेंगी जब भी आप किसी सेकेंड हैंड गाड़ी को खरीदने के लिए जा रहे हैं। सो आइए इसका रियर डोर ओपन करके देखते हैं। आइए अंदर बैठ के देखते हैं। बैठ चुके हैं इस गाड़ी की रियर सीट में और आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम लेगरूम है जो आपको इस गाड़ी में मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये मिनिमम लेगरूम है, आइए मिनिमम लेगरूम में बैठ के देखते हैं। सो ये मिनिमम लेगरूम है, मेरी हाइट 6 feet है और 6 feet के अकॉर्डिंग मैं बैठ के जा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत मेरे को ज़्यादा फेस करनी नहीं पड़ेगी। ट्रांसमिशन टनल एकदम फ्लैट है तो थर्ड पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा। यहाँ पर आपको एक 12 volt का चार्जिंग सॉकेट मिलता है और चारों विंडोज आपको इलेक्ट्रिकली अप डाउन मिलती हैं, इसमें आपको मैनुअल विंडो नहीं मिलती हैं। और विंडोज़ के कंट्रोल्स के अराउंड में आपको वुडन फिनिश मिलती है, यहाँ पे भी आपको एक क्लॉथ टाइप फिनिश मिलती है। तो गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीट कवर्स लगे हुए हैं, बकेट फिनिश में लगे हुए हैं और इसमें सेंटर हेड आर्मरेस्ट भी है जिसमें आपको कोई भी कप होल्डर्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। पीछे के सिर्फ दो ही हेडरेस्ट मिलते हैं और दोनों एडजस्टेबल हैं। थर्ड रो में भी आपको दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। गाड़ी की सीट वैसे कंफर्टेबल है, ऊपर यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 एसी वेंट्स मिलते हैं जिनका आप एयर फ्लो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे यहाँ पे आपको ग्रैब रिन मिलती है पर कोई भी कोट होल्डर का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है, दोनों साइड ही नहीं मिलता है आपको कोट होल्डर का ऑप्शन। आइए बात करते हैं इसके सीट पॉकेट्स की। तो सीट पॉकेट्स आपकी डिसेंट साइज है, इसमें आप आराम से अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। सीट पॉकेट्स आपकी डिसेंट साइज हैं, इसमें आप आराम से अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। आते हैं इसके डोर पॉकेट्स की तरफ। तो डोर पॉकेट्स डिसेंट साइज हैं, बहुत डोर पॉकेट ज़्यादा बड़े नहीं हैं पर इसमें आपकी 1 liter की बॉटल आराम से फिट हो जाएगी। तो आइए फ्रंट सीट पर चल के देखते हैं। ये खोल के देखते हैं इसका फ्रंट डोर। सो ये इस गाड़ी का फ्रंट डोर है, आइए अंदर बैठ के देखते हैं। सो हम बैठ चुके हैं इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे और आप देख सकते हैं कि सारी विंडोज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप डाउन मिलता है। ये आपको विंडोज़ चाइल्ड लॉक करने का ऑप्शन मिलता है और डोर अनलॉक करने का बटन मिलता है। विंडोज़ इंटरनली एडजस्टेबल है दोनों और इंटरनली फोल्डेबल भी है। और ये इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील, आपको 3-spoke यूनिट मिलती है जिसमें आपको ब्लैक और सिल्वर कलर की फिनिश मिलती है। स्टेयरिंग पे आपको काफ़ी कंट्रोल्स मिलते हैं, ये आपके वॉल्यूम अप डाउन के और चैनल चेंज करने के कंट्रोल्स मिलते हैं। इस बटन से आप म्यूट कर सकते हैं सिस्टम को, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं और नीचे आपको ब्लूटूथ कॉल पिक एंड अप और कट करने का ऑप्शन मिलता है। स्टेयरिंग पे आफ्टर मार्केट सीट कवर चढ़े हुए हैं जो कि सीट कवर के कॉम्बिनेशन में ही आते हैं। सो आइए देखते हैं इसका ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स आपको डिसेंट साइज मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज के लिए स्पेस मिलती है। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिलता है, ये चिल्ड कप होल्डर के तरीके से काम करता है। गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट सेंटर है आर्मरेस्ट भी मिलता है
जिसमें आपको एक थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी मिलती है, पर आगे की तरफ यहाँ पे आपको कोई भी कप होल्डर नहीं मिलता है। ये इस गाड़ी का हैंड ब्रेक है और गाड़ी में आपको 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। एज यूजुअल मारुति की जैसे हर गाड़ियों में 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स ही मिल रहा है आजकल। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है, यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यहाँ पे USB और ऑक्स के लिए स्पेस मिलती है। गाड़ी में आपको मैनुअल AC कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स का ऑप्शन इसमें आपको नहीं है। ये इस गाड़ी का सिस्टम है, सिस्टम मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास इस गाड़ी की कीज़ अवेलेबल नहीं है। आइए बात करते हैं इसके सनशेड की। तो ड्राइवर साइड सनशेड में आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है, को ड्राइवर साइड में आपको एक मिरर मिलता है विद नो लाइट्स, सेंटर में आपको एक लाइट मिलती है जो कि हैलोजन यूनिट है, मिरर मैनुअली एडजस्टेबल है। सो यहाँ पे नीचे आपको आफ्टर मार्केट लाइट भी प्लेस करी गई है, वाइट कलर में है, ये फ्रंट दोनों सीट्स के नीचे मिलती है, ये गाड़ी के लुक को और एनहेंस कर देती है और ये आफ्टर मार्केट एसेसरीज है। आगे आपको 4 AC वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 1000 लाइट्स का स्विच मिलता है। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की। तो इसमें आपको RPM मीटर, इंजन टेम्परेचर मीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज मिलता है, बीच में आपको एक MID का ऑप्शन भी मिलता है। बात करें इसकी हॉर्न की, तो हॉर्न आपको डिसेंट मिलता है। साइड में आपको काफ़ी सारे बटन मिलते हैं जैसे अलार्म का, पार्किंग सेंसर का, फॉग लैंप्स का और लाइट की रेंज सेट करने का। इस साइड आपको इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आगे की तरफ भी आपको ये वुडन फिनिश मिलती है, यहाँ पे भी आपको एक वुडन फिनिश मिलती है, यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स के अंदर भी वुडन फिनिश मिलती है। तो मतलब अटेंशन टू डिटेल काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है, यहाँ पे डोर पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिलता है जो कि गाड़ी के लुक को और एनहेंस करता है। सो ओवरऑल इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ही बेटर है, पर अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहे हैं तो थोड़े बहुत माइनर डैमेजेस तो गाड़ी में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें और GotSpeed को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय।